कुछ लोग इस गाड़ी को TUV 300 के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि महिंद्रा की सारी गाड़ियों में, लगभग सारी ही गाड़ियों में, वो जो नाम देते हैं महिंद्रा अपनी गाड़ियों को, उनके जो गाड़ी के नाम के आखिरी में वो लिखा होता है। जैसे महिंद्रा जाइलो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बुलेरो, वैसे ही इन गाड़ियों में भी महिंद्रा XUV 500, उसी तरह ये भी है महिंद्रा की TUV 300। तो आज इस वीडियो में मैं महिंद्रा की TUV 300 का रिव्यू करने वाला हूँ। और ये भी आप इसका बेस मॉडल देख रहे हैं जो कि T4 है। तो अगर इसका आप बेस मॉडल लेने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में महिंद्रा TUV 300 का रिव्यू करने वाला हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज प्रकाश महंत एंड यू आर वॉचिंग PM's मोटोग्राफी। तो अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल्स के अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत। तो चलिए करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट। मैं इस गाड़ी के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी का जो लंबाई है वो लगभग स्कॉर्पियो, महिंद्रा बुलेरो के जितनी होगी या महिंद्रा जाइलो के जितनी होगी, तो ऐसा नहीं है। वो गाड़ियाँ 4 मीटर से ज़्यादा लंबी है और ये गाड़ी सिर्फ 4 मीटर के अंदर आती है। मतलब कि इस गाड़ी का जो लंबाई है वो सिर्फ मारुति सुजुकी नेक्सा बलेनो के जितनी या मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर या होंडा की अमेज के जितनी है। मतलब कि इसकी जो लंबाई है वो सिर्फ 4 मीटर की है। तो ये जो SUV है वो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है और ये प्रॉपर SUV है। इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता और इसमें आपको सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, मतलब कि इस गाड़ी का जो पिछला पहिया है वो घूमकर गाड़ी को आगे बढ़ाता है। तो पहले बात करते हैं इस गाड़ी के लेंथ की। तो इस गाड़ी का लेंथ है 3995 mm और विड्थ है 1795 mm और हाइट है 1817 mm। और इस गाड़ी का जो सामने और पिछले पहिया की दूरी है, जिसे कि व्हील बेस कहा जाता है, वो है 2680 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि ज़मीन से इस गाड़ी का जो ऊंचाई है वो है 190 mm का। मतलब कि 190 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और जो इसमें बूट स्पेस है वो है 384 लीटर्स का। और इसमें जो फ्यूल टैंक मिलता है वो है 60 लीटर का। तो इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा है। और इसका जो टर्निंग रेडियस है, जैसे कि गाड़ी घुमाई जा सकती है, एक यू टर्न जिसे कहा जाता है, शार्प यू टर्न, वो है इसका टर्निंग रेडियस 5.35 मीटर का। और इस गाड़ी का जो नाम है TUV 300, उसमें TUV का जो फुल फॉर्म है वो है टफ यूटिलिटी व्हीकल। इस गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है और जो डिपार्चर एंगल है वो बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन है जो गाड़ी का, वो बॉडी ऑन फ्रेम पर बनाया गया है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन सेक्शन की। तो इंजन सेक्शन को बताने से पहले मैं इसके एक पावर के बारे में बता देता हूँ कि इस गाड़ी में आपको पहले 80 PS की पावर वाली 1.5 लीटर इंजन आती थी, और अभी भी इसमें 1.5 लीटर इंजन ही आता है, लेकिन जो इसका 80 PS का पावर आता था उसे बढ़ा करके अब 100 PS की पावर बना दी गई है। तो अभी आप ये देख रहे हैं 80 PS पावर वाली, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब आप अगर इस गाड़ी को लेंगे तो अब आपको इसमें 100 PS पावर वाली TUV 300 मिला करेगी। चलिए अब बात करते हैं इसके फुल इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि पावर्ड बाई है MHawk 100 PS का डीजल इंजन के द्वारा। और इसमें जो टर्बो चार्जर लगाया गया है वो 2 स्टेज वाला लगाया गया है, और ये पावर जनरेट करता है एज द नेम सजेस्टेड MHawk 100 PS।
तो जो नाम इसमें दिया गया है एमहॉक 100, तो यही इसका जो पावर है वो पावर आउटपुट फिगर है 100 पीएस का। तो ये जो पावर जनरेट करती है वो 100 पीएस की करती है, और जो टॉर्क है वो है 240 न्यूटन मीटर्स का, और ये मेटेड है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, और इसका जो माइलेज है वो है 18.5 किलोमीटर पर लीटर का। और एक चीज़ बहुत बढ़िया लगा मुझे इस गाड़ी का, वो है इसमें आपको एक इकोनॉमिक बटन मिल जाता है जिसको दबाने से इंजन का पावर ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, जिससे कि आपको गाड़ी का माइलेज बहुत ही बढ़िया मिलता है, लेकिन इंजन काफ़ी कमज़ोर लगता है। लेकिन आप अगर उसको हाईवे में चलाएंगे, अगर आपको ओवरटेक नहीं करना है, सिंपल चलाना है, तो आप वो इकोनॉमी बटन दबा करके चला सकते हैं, और इसमें जो क्लेम किया गया है 18.5 का माइलेज, उससे ज़्यादा आपको माइलेज मिल सकता है। और दूसरा इकोनॉमी बटन दिया गया है इस गाड़ी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए, जिसमें एसी इको दिया गया है, उसे दबा देने से इसका जो एसी का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कम कर देगा और आपको गाड़ी में माइलेज ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी गाड़ियों में एसी ऑन करने से माइलेज काफ़ी कम मिलता है, लेकिन इस TUV300 में एसी ऑन करके चलाने से भी माइलेज बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो ये देख सकते हैं सेंटर पे आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है, और उसके ये जो सामने में 5 स्लॉट ग्रिल देख सकते हैं जो कि जीप कंपास से इंस्पायर्ड है, और ये नीचे देख सकते हैं फॉग लैंप के लिए जगह दी गई है जिसमें कि आप अलग से फॉग लैंप लगवा सकते हैं, और जो 5 स्लॉट ग्रिल है वो जीप कंपास से इंस्पायर्ड होकर इसमें लगाई गई है। और ये देख सकते हैं इसका हेडलैम्प यूनिट, और यहाँ पर हनी क्रोम भी आपको अंदर में मिल जाता है। ये देख सकते हैं ये हनी क्रोम के जैसा लग रहा है, इसीलिए इसे हनी क्रोम ग्रिल कहा जाता है। और ये फॉग लैंप के लिए स्पेस, और ये देख सकते हैं इसका हेडलैम्प यूनिट, इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, LED DRL तो नहीं मिलता। और लेफ्ट साइड पे पार्किंग लैंप और राइट वाला इंडिकेटर देख सकते हैं, और ये थोड़ी सी लाइनिंग दी गई है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है इसके हेडलैम्प को। और ये साइड फाइंडर भी देख सकते हैं, इंडिकेटर मिल जाता है, LED नहीं है ये भी हेलोजन है। और ये टायर्स देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़े दिए गए हैं इसमें टायर्स। इसमें आपको जो टायर मिलते हैं वो है 215x75 R15 इंचेस की ट्यूबलेस रेडियल टायर्स, तो इसमें बहुत ही बढ़िया टायर्स दिए गए हैं। और बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट पे आपको डबल विशबोन टाइप विथ इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग मिल जाता है, और रियर पे मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग विथ एंटी रोल बार मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है इसका एंटी रोल बार। और इसमें व्हील कैप नहीं मिलता, ये अलग से लगवाए गए हैं, व्हील कैप आप अभी इस गाड़ी पर देख रहे हैं। और फ्रंट पे डिस्क ब्रेक और रियर पे ड्रम ब्रेक आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये साइड फेंडर पे देख सकते हैं लिखा गया है पावर्ड बाय एमहॉक 80, तो 80 पीएस की जो पहले इंजन आती थी उसमें पावर मिलती थी, लेकिन अब ये आपको एमहॉक 100 लिखा हुआ मिलेगा। और ये ORVM देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा ORVM दिया गया है, और इसमें ग्लॉसी फिनिश दिया गया है ब्लैक कलर का। तो अगर आप अब इस गाड़ी को लेंगे तो एमहॉक 100 पीएस लिखा हुआ मिलेगा, और इसमें पुरानी मॉडल है इसलिए इसमें एमहॉक 80 लिखा हुआ है। और ये इसका एंटीना था ये देख सकते हैं, और यहाँ पर ये चढ़ने के लिए भी यहाँ पर स्टेयर बनाया गया है, लगाया गया है, क्योंकि इस गाड़ी का जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एज वालों के लिए इसमें चढ़ने में दिक्कत ना हो इसलिए इसे लगाया गया है। और ये देख सकते हैं इस गाड़ी का फ्लोटिंग डिज़ाइन, और यहाँ पर पीछे पर भी जो सी पिलर है वो ब्लैक्ड आउट मिलता है ब्लैक कलर में। और ये देख सकते हैं इसका जो रियर प्रोफाइल है गाड़ी का, इसमें आपको काफ़ी स्क्वायरिश एलिमेंट्स दिखेंगे, काफ़ी बॉक्सी लगेगी ये गाड़ी। और ये बम्पर पर देख सकते हैं ब्लैक कलर का रिफ्लेक्टर मिलता है, और इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और ये इसमें जो स्टेपनी है, जो स्पेयर व्हील है, वो पीछे लगाया गया है। और यहाँ पर महिंद्रा का लोगो देख सकते हैं, और ये नीचे TUV300 की बैजिंग, और राइट साइड में T4 की बैजिंग जो कि इसका बेस वेरियंट का डिनोट करता है। और ये टेल लैम्प देख सकते हैं, इसमें हेलोजन टेल लैंप मिलते हैं। और इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल से ही ड्यूअल एयर बैग मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाता है, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक मिल जाता है, और रियर पार्किंग सेंसर भी इसमें आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, और मैं आपको इस गाड़ी को अंदर से दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या और भी जो आपको मिलने वाला है इसके बेस वेरियंट में वो मिल जाता है। और ये देख सकते हैं इसकी चाबी, इसमें आपको इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ी बनाई गई है इस गाड़ी की चाबी। तो चलिए चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ये देख सकते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर को, ये डुअल टोन में आता है ब्लैक एंड बीच कलर में, ब्लैक कलर के इसमें हैंडल मिलते हैं, काफ़ी सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर है इस गाड़ी का।
और इसमें पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो। और नीचे देख सकते हैं बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट दिया गया है स्टोरेज एरिया पे। और ये देख सकते हैं सीट्स को, सीट्स इसके मुझे उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगे। कुशनिंग काफ़ी हार्ड है, काफ़ी स्टीफ है, इसका जो कुशनिंग है काफ़ी कड़ा है, नरम नहीं है। और इसमें हेड रेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और हाइट एडजस्टर नहीं मिलता, सीट रिक्लिनेशन मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो पैडल्स हैं वो, और यहाँ पर इसका हुड ओपन करने का मिलता है, बोनेट ओपन करने का। और यहाँ पर आपको फ्यूल लीड ओपन करने का मिल जाता है। अब जल्दी से इस गाड़ी का चाबी ऑन करके मैं इस गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाता है जो कि RPM मीटर है, और राइट साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। तो ये दोनों एनालॉग है, और सेंटर पे आपको छोटा सा MID मिल जाता है, और उसके ऊपर काफ़ी सारे सिग्नल्स मिल जाते हैं गाड़ी से रिलेटेड। तो इसको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको 2 ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT मतलब की रेंज, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डूर अजार वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर, तो और भी कुछ कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर बटन दिए गए हैं जिसे कि आप दबा करके इसका जो एवरेज वगैरह है और काफ़ी सारे फीचर्स देख सकते हैं और टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बेस मॉडल में ही काफ़ी सारे फीचर्स दे दिए जा चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, जो काफ़ी अच्छा बात है कि इसके जो बेस मॉडल में है उसी में काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और ये टॉगल्स देख सकते हैं वाइपर के, और राइट साइड पे इंडिकेटर एंड हेडलैम्प के टॉगल। और यहाँ पर देख सकते हैं इको वाला आपको बटन मिल जाता है, जिसे कि दबाने से इंजन का परफॉर्मेंस कम हो जाता है, और हेडलैम्प का लेवलिंग का स्विच मिल जाता है। और ये देख सकते हैं म्यूज़िक सिस्टम इसमें अलग से लगाया गया है, बेस मॉडल में म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता। और एयर कंडीशन सिस्टम मिल जाता है विथ हीटर। और ये यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको ऊपर में स्टोरेज एरिया मिल जाता है, और यहाँ पर भी एक और स्टोरेज एरिया मिल जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ही बढ़िया है इस गाड़ी की। और ये देख सकते हैं इसके AC के कंट्रोल्स, और यहाँ पर भी एक स्टोरेज एरिया मिलता है जहाँ आप अपने फ़ोन रख सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर देख सकते हैं एक AC इको बटन लिखा गया है, मैं इसी की ही बात कर रहा था इस वीडियो की शुरुआत में, जो कि इस गाड़ी का बहुत ही बढ़िया फीचर है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टोरेज एरियाज देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया लगी मुझे ये गाड़ी। और ये ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल देख सकते हैं, और उसके पीछे विंडोज़ लॉक का बटन दिया गया है, और इधर भी काफ़ी सारे स्टोरेज एरियाज दिए गए हैं छोटे छोटे देख सकते हैं आप। और ये है इसका हैंड ब्रेक, और ये देख सकते हैं ड्राइवर साइड डोर, और ये को ड्राइवर साइड आपको देख सकते हैं सनशेड, उसमें वैनिटी मिरर नहीं मिलता। और सेंटर पे एक रीडिंग लैंप है, इस कैबिन में बस यही रीडिंग लैंप है। और एक टिकट होल्डर मिलता है ड्राइवर साइड के सनशेड में, और एक ग्लव बॉक्स देख सकते हैं जिसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी है चौड़ाई, काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर कैबिन में और दिखाता हूँ रियर स्पेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ड्यूअल टोन कलर में मिल जाता है इसका जो रियर डोर है वो ब्लैक एंड बीच कलर का। और विंडो एरिया काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पर भी पावर विंडो का बटन मिल जाता है, और ये बॉटल होल्डर मिल जाता है, और थोड़ा सा मैप पॉकेट है, और ये पावर विंडो का बटन देख सकते हैं, और ये हैंडल देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हैंडल इसमें दिया गया है। और यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी लॉक का बटन दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस गाड़ी के रियर सीट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और इसमें 3 लोग काफ़ी आराम से इजीली बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस इसमें दी गई है, स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया किया गया है। हाँ, लेकिन जो सीट का कंफर्ट है वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, काफ़ी कड़ा है इसका जो सीट्स वगैरह दिया गया है वो। लेग रूम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें लेग रूम मिल जाता है। तो चलिए अब इसका जो लास्ट सीट्स है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ओपन होगा इसका ये जो टेल गेट है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अंदर से जो डोर का लुक है वो, टेल गेट का जो लुक है। यहाँ पर हैंडल दिया गया है और बटन दिया गया है, ये देख सकते हैं इसे जंप सीट्स कहा जाता है, और इसमें हेड रेस्ट नहीं मिलता। इसमें 5.5 फीट के लोग आराम से बैठ सकते हैं, बट ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये साइड फेसिंग जो सीट है वो है। और यहाँ पर हैंडल्स मिल रहे हैं देख सकते हैं, 4 हैंडल दिए गए हैं इस गाड़ी में टोटल, ड्राइवर साइड को छोड़ के सभी जो गेट है वहाँ पर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं रूफ़ में।
तो अगर आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं तो आपको इसमें 384 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। आप कुछ इस तरह से इन सीट्स को फोल्ड करके भी रख सकते हैं अगर आपको इस सीट की ज़रूरत नहीं है तो, और काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाया करेगा।